तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मंदिर से। सबसे पहले मैं गई भगवान जी के दर्शन करने, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो मंदिर में भी डेकोरेशन हो रही थी जन्माष्टमी की। उसके बाद मैं घर आई तो मैंने देखा कि मम्मी ने पूरी तैयारी कर ली है पूजा की, और हमारे लड्डू गोपाल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं नए नए वस्त्र में। और मम्मी ने आरती की थाली भी बहुत प्यारी डेकोरेट की थी, और फिर मम्मी ने कृष्ण जी को लगाया भोग, फिर मम्मी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से नंद गोपाल को खिलाई खीर, और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। फिर थी बारी आरती की, तो मम्मी ने सबसे पहले आरती की। फिर आरती होने के बाद सब लोगों ने एक एक करके आरती ली। फिर हमारी सृष्टि ने भी पूजा की, तो उसने सबसे पहले लगाया टीका और फिर खिलाई खीर। फिर बारी थी हमारे कानू को झूला झुलाने की, तो सबसे पहले हमारी मम्मी ने झूला झुलाया गाना गा गा कर, और फिर बच्चा पार्टी ने राधा सृष्टि ने भी झूला झुलाया हमारे कानू को। फिर थी बारी प्रसाद खाने की, तो मम्मी ने सबसे पहले एक एक करके लड्डू दिया सबको, उसके बाद मम्मी ने खीर बनाई थी तो मम्मी ने सबको खीर भी दी, और आप लोग भी ये लीजिए प्रसाद खा लीजिए। जन्माष्टमी हो और हमारी मम्मी लोग डांस ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मम्मी लोगों ने खूब इंजॉय किया डांस करके, और राधा सृष्टि ने भी डांस किया। सृष्टि कानू बनी हुई थी और राधा तो राधा है ही। और मेरी राधा का आज बर्थडे भी था, तो फिर अब बारी थी केक कटिंग की। तो सब लोग रेडी होकर आ चुके हैं, और अब राधा जा रही है केक कट करने। और राधा के लिए आया था मटके शेप का केक, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मेरी राधा तो इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट लग रही थी वो आज। फिर केक कट होने के बाद सब लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया, फिर पापा ने टीका लगाया और राधा को केक खिलाया। फिर राधा को खिलाया जाएगा केक देखो मटका की शेप का केक। माखन ऊपर से माखन बह रहा है, देखो माखन बह रहा है। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू मौसा, थैंक यू मौसा। और फिर सब लोगों ने एक साथ मिलकर डांस किया और खूब एंजॉय किया पूरी फैमिली ने। तो हम लोग की मस्ती तो ऐसे चलती रहेगी, यहीं पे करते अपने ब्लॉग को एंड। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।